कुख्यात सटोरिए ने पड़ोस में रहने वाले युवक के घर आने वाले मेहमानों के चिल्लाने की आवाज से परेशान होकर सटोरिए ने अपना गुस्सा दिखाया। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। बता दें, घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने सटोरिए को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, मामला MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर काकड़ का है, जहां रहने वाले फरियादी इरफान ने शिकायत दर्ज कराई कि पास में ही रहने वाला कुख्यात सटोरिया शाहिद उर्फ रांगा ने उसके घर में घुसकर अचानक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, जिसे सर में गंभीर चोट आई है। उसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी कुख्यात सटोरिए शाहिद उर्फ रांगा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सटोरिए को पास में आने वाले मेहमानों के चिल्लाने से परेशानी थी, जहां गुस्साए सटोरिए ने घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं। कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले इन पर दर्ज हैं। इसका नाम है शाहिद उर्फ रांगा, ये श्रीनगर का रहने वाला है और इसके पड़ोस में एक रहता था इरफान। तो शाहिद के घर, मतलब इरफान का ये कहना है कि इसके घर में कुछ संदिग्ध आते जाते थे, जोर जोर से बातें करते थे, जिससे उसके बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब होता था। तो उसने मतलब इनको मना किया और तो 20 तारीख को मतलब तो इसके यहाँ आए थे कुछ लोग, तो उसने भगा दिया था। इसी बात को लेके शाहिद उपरांगा और उसके भाई वाहिद और उनके दो भतीजों के साथ मिलकर इन्होंने उसको फरियादी को घर में घुस के मारपीट किया और तो शाहिद ने इसको पाइप से सिर में मार के चोट पहुँचाई है। सर, आज क्या घटनाक्रम हुआ था? आज का आज ये सूचना मिली थी कि ये मतलब तो अपने अयोध्यापुरी कॉलोनी में किसी का इंतजार कर रहा फरार होने के लिए, मुखबिर सूचना पे इसको पकड़ा। सर, ये आदतन अपराधी है क्या? हाँ, आदतन अपराधी है, इसके पूर्व भी रिकॉर्ड है।